पांच रीजन क्यों आपको Hyundai Exter लेनी चाहिए ओवर दी टाटा पंच। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो दोनों कार्स में कांटे की टक्कर है, तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार गुरु। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला रीजन, 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड। देखिए पंच की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, और होनी भी चाहिए क्योंकि सेफ्टी इज प्राइमरी। एक्स्टर में 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आता है जो कि इस कार की सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। 6 एयरबैग होने की वजह से शायद एक्स्टर पंच को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। दूसरा रीजन, फर्स्ट इन सेगमेंट कुछ फीचर्स, डुअल डैश कैम, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स इस सेगमेंट में पहली बार Hyundai Exter ऑफर कर रही है। तीसरा रीजन, Hyundai की सेल्स एंड सर्विस। देखिए कहीं ना कहीं टाटा अपनी सेल्स और सर्विस को लेकर हमेशा से ट्रोल होती रही है। कुछ जगहों पर सेल्स अच्छा है तो सर्विस अच्छी नहीं है। कस्टमर की गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिसॉल्व नहीं किया जा रहा है। टाटा के साथ ये एक प्रॉब्लम तो है, Hyundai के साथ भी आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट अकॉर्डिंग टाटा थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिलेगी Hyundai के अंदर। चौथा, बेटर रीसेल। Hyundai कार्स की रिलायबिलिटी बेटर देन टाटा कार्स। रीसेल वैल्यू मतलब आप जब अपनी व्हीकल को सेल करने जाएंगे तब आपको बेटर वैल्यू देगी Hyundai की कार्स टाटा कार्स के मुकाबले। पांचवा, मोर फीचर्स जैसे रियर एसी वेंट्स, LED हेडलैम्प, वायरलेस फोन चार्जर, सनरूफ, लेदर सीट्स एंड मोर फीचर्स। कहने का मतलब ये है एक्स्टर एक फीचर पैक्ड कार है जो यंग कस्टमर्स को बहुत पसंद आने वाला है। आप ये मत समझिए कि पंच में फीचर्स नहीं है, पंच में भी अच्छे खासे फीचर्स हैं, और उसकी सबसे बड़ी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है सेफ्टी। ये थी पांच रीजंस क्यों आपको Hyundai Exter कंसीडर करनी चाहिए ओवर दी टाटा पंच। अगर आप एक नया फ्रेश प्रोडक्ट चाहते हैं और टाटा पंच नहीं लेना चाहते तो आप जरूर Exter को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।